नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से जो है अग्निवीर भर्ती 2023 जो है शुरू हो चुकी है, जिसमें आज पहला पेपर पहली शिफ्ट का 17 अप्रैल 2024 का पूरा हो चुका है। तो इस पेपर में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आए थे, क्या क्या प्रश्न बने थे, आगे हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, इस सभी की हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो पर पूरे बने रहे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कौन कौन से प्रश्न आज पूछे गए थे। सबसे पहला यहाँ पर जैसे प्रश्न पूछा गया था कि भैया राज्यसभा में मनोनीत सदस्य है ना, राज्यसभा है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, तो 12 सदस्य होते हैं। मतलब आपसे यहाँ पर संविधान का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो संविधान आपको ऊपर थोड़ा सा जो सिंपल वाला संविधान है वो आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। इसके अलावा अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि भैया भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह है। तो सिंपल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कोई टफ नहीं है। आर्मी अपना ही लेवल पूछ रही है, ज़्यादा यहाँ पर लेवल कोई बढ़ाया नहीं है आर्मी ने। तो सभी लोग सिंपल तरीके से आसान चीज़ें ही पढ़े, ज़्यादा टफ चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल आपको वर्तमान में, मतलब वर्तमान में जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट पर है, संवैधानिक पोस्ट पर, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है कि भैया आगरा में स्थित मकबरा कौन सा है, तो ताजमहल है। ताजमहल किसने बनवाया था, याद रखिएगा, शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। मतलब ये यहाँ इतिहास का प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था भैया हड़प्पा सभ्यता में सबसे दक्षिणतम भाग, मैंने कई बार इसको पढ़ाया भी से आपको, दाइमाबाद स्ट्रक्चर से पढ़ाया है। अभी जो है इतिहास चल रही है ऑफलाइन क्लास में, उसमें मैंने आपको बताया भी था, इतिहास से सिंपल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा गदर पार्टी की स्थापना किसने करी, तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा। साथ में गुजरात के वर्तमान CM, देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छे और आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं। CM राज्यपाल और उनकी राजधानी आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसके अलावा यमुना की किसकी सहायक है, तो गंगा की है। ये प्रश्न भी जो है पूछा गया है, मतलब नदियों से प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री से आ रहे हैं, ये आधुनिक इतिहास का प्रश्न है। वायरस जनित रोग कौन सा है, तो भैया जो भी आपके पास ऑप्शन होंगे उसके हिसाब से इसका उत्तर आएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन जो रहेगा उसमें मालूम पड़ेगा कि भैया कौन सा रोग जो है वायरस जनित है। इसके अलावा हम देख लें कि भैया टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, हो सकता है वहाँ पर आपको ऑप्शन दूसरा मिला हो, पर इमली में जो है पाया जाता है। सूडान की राजधानी, यानी कि देश और उसकी राजधानी से भी प्रश्न आ रहे हैं, देश व राजधानी आपको पढ़ लेना है अच्छे से। दुनिया के जितने भी देश है सबसे पहले आपको एशिया के पढ़ने हैं, फिर आप देख लेना उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ये जो है आपको पढ़ ही लेना है। अफ्रीका के भी पढ़ लेना, इसकी राजधानी खार्तूम है ना, देश और उनकी राजधानियाँ, और अगर वहाँ पर राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर है तो कुछ मेन मेन देशों के जो कि आपको अधिकतर चर्चा में रहते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया। इसके अलावा भारत के आसपास के पाकिस्तान ने ये, म्यांमार, चाइना, इन सब के राष्ट्रपति, जैसे रूस, इनके मेन मेन देशों के राष्ट्रपतियों के नाम या प्रधानमंत्रियों के नाम भी आपको देख लेना है, ठीक है। अगला जिसे पूछा गया था यहाँ पर भैया सोने का लेटिन नाम क्या है या रासायनिक नाम, तो ओरम है, इसका AU जो है इसका सिंबल होता है, तो ये भी आपको देख लेना है। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे, मतलब खेलकूद से भी प्रश्न आ रहा है, भाला फेंक से, तो खेलकूद आपको अच्छे से पढ़ लेना है। करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान देना है थोड़ा सा, मैं बताऊंगा आपको आगे कि भैया करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़ना है। अगला है कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसने सोफिया या रोबोट को नागरिकता प्रदान करी, इसको आप गूगल से देख लेना। वैसे इसका आंसर जापान या फिर सऊदी अरब, दोनों में से कुछ आ सकता है, ठीक है, तो आप इसका देख लेना। मतलब कुल मिला के यहाँ से प्रश्न अच्छे आ रहे हैं, सिंपल प्रश्न आ रहे हैं, आपको बस सिंपल सिंपल चीज़ें पढ़नी है। अभी मैं आपको बता दूंगा कौन सी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए चीज़ें। एक घनाभ का क्षेत्रफल से प्रश्न पूछा गया था, ये आप देख लेना। अगला प्रश्न यहाँ पर और जैसे कि एक पूछा गया था कि भैया यदि सात रंगों को एक सात रंगों की जो प्लेट है उसको अगर घुमा दिया जाता है तो भैया किस प्रकार का, तो वैसे सफ़ेद दिखाई देता है, सफ़ेद नहीं तो रेड भी दिखाई दिया जा सकता है। एक साधारण ब्याज से एक प्रश्न आया था, साधारण ब्याज वाला टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेना है। अगला प्रश्न था कि भैया पिंग पोंग जो है वो उसका संबंध किस से, टेबल टेनिस से, एक भिन्न से प्रश्न संबंधित आया था। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा ये इतने जो है क्वेश्चन हमें पता चले हैं, और भी यहाँ पर लगभग 50 प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। तो कुल मिला के भैया पेपर सिंपल आ रहा है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है ध्यान से पढ़ना है। ये टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर सामान्य ज्ञान की बात करें तो अगर आपने ल्यूसेंट पढ़ लिया पूरा, जो ल्यूसेंट की सामान्य ज्ञान होती है नीले कलर की, वो अगर आपने पढ़ ली तो समझो कि आपका कल्याण होना तय है GK में। अगर वो नहीं भी पढ़ पाते तो जैसे उसमें विविध वाला पोर्शन पढ़ ले आप, ऊपर कुल मिला के एक बार, मतलब 2-4 दिन में आप ल्यूसेंट कंप्लीट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। बुक्स आपको पढ़नी है जो किताबें और उनके लेखक रहते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए जो गौरव सर की बुक मार्केट में चल रही है ये आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर के लिए, है ना। कुल मिला के अगर आपने ल्यूसेंट और बुक्स और करंट अफेयर, या फिर आप मानो तो जैसे विविध तो ल्यूसेंट में आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर ये दोनों चीज़ें पढ़ लोगे तो आपका GK का काम
बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। बात करें अगर हम साइंस की, तो साइंस में आपको एक ही पुस्तक पढ़नी है और वो है रेलवे स्पीडी। ठीक है, रेलवे स्पीडी अगर आप पढ़ लेते हो साइंस में तो आपका सारा जो है इसमें से ही बनेगा, क्योंकि ज़्यादा साइंस भी कोई ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं आ रहा है, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गणित की बात करें तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, जैसे कि साधारण ब्याज होगा, बोडमास रूल हो गए, सिंपल पढ़ना, बिल्कुल एक या दो टाइप ज़्यादा से ज़्यादा टाइप, मैथ्स में ज़्यादा आगे बढ़ना ही नहीं, एक या दो टाइप से आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको मैथ्स में पढ़ना नहीं है। भिन्न के क्वेश्चन आपको पढ़ना है, आयु से संबंधित पढ़ लीजिएगा, प्रतिशत, सरलीकरण, इसके अलावा समय कार्य, लाभ हानि, अनुपात, LCM है ना, वर्गमूल, इसके अलावा जैसे कि क्षेत्रमिति थोड़ा पढ़ना है आपको, वर्गमूल ने, घनमूल ने, ये घन घनाप ने, ये सारे आपको पढ़ना है ना। इन इन टॉपिक्स को आप सिंपल तरीके से पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में भी आप ल्यूसेंट बुक से पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी ल्यूसेंट बुक। इसके अलावा आप इसमें एक अरिहंत नाम की बुक भी पढ़ सकते हैं, जो कि थोड़ी सी सिंपल है इससे, ल्यूसेंट से है ना, तो वो भी आप मार्केट से परचेस करके पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये जो है आज का पेपर का एनालिसिस है। बाकी पेपर्स के भी मैं आपको बता दूंगा कि सर कौन कौन से तरीके से प्रश्न जो है बन रहे एग्ज़ाम्स में। तो सभी लोग अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।